हाँ ए सी बस गालिब साहब को आम खाने का बड़ा शौक था ऐसा मुझे गुलजार भाई ने बताया पता नहीं गालिब साहब ने आम पर कोई शेर लिखा या नहीं बहरहाल एक एक बार वो उनके दोस्त बैठे हुए आम खा रहे थे जिनमें से एक दोस्त था जिसको आम पसंद नहीं थे तो गालिब साहब बड़ी हैरत हुई कि भाई कै, कै, कैसे बदमादाक़त नहीं हो तुम तो आम पसंद नहीं है उनको एक आम दिया तो उसने उठा के फेंक दिया एक गधा वहाँ पर खड़ा था उसके पास जाके गिरा तो गधा मुंह मोड़ के चला गया तो कहने लगे देखिए गधे भी आम नहीं खाते तो गालिब साहब बोले कि जी नहीं गधे ही आम नहीं खाते <laughs> आमों के साथ और गालिब साहब के साथ दोनों के साथ मेरा बचपन का वास्ता रहा है आमों खाने का कंपटीशन हुआ करता था हमारे मामों के बाग में फ्रिज वगैरह तो था नहीं बाल्टी में डाले जाते थे हम ट्यूबवेल से पानी भर के उसमें ठंडे होते थे और उनको यूं दबा के और चूस के खाया जाता था और गालिब साहब के साथ ये ताल्लुक रहा कि मैं नैनीताल में पढ़ता था स्कूल में जहाँ से हम लोग ट्रेन से आते थे दिल्ली और मेरे वालिद अजमेर शरीफ में रहते थे तो दिल्ली में दिन गुजारना पड़ता था रात को मिलती थी ट्रेन अजमेर की एक मेरे वालिद की फुप्पी थी और उनके फुप्पा जो गली कासिम जान में रहते थे बल्ली मारान में और हम लोग टांगे में या रिक्शा में जाया करते थे उस वक्त टांगे में या रिक्शा में जाना मुमकिन था गली कासिम जान में आ, रास्ते में मेरे वालिद हमेशा बताते थे ये देखो ये मिर्ज़ा गालिब बहुत बड़े शायर थे उनका घर है उस घर से हम गुजरते थे जो टूटा फूटा सा था कोयले से भरा पड़ा लगता था पता चला कि कोयले की थी वहाँ और मुझे हैरत होती थी कि ये अगर इतने बड़े शायर हैं तो फिर ये इनका घर ऐसे क्यों है क्योंकि शेक्सपियर के बारे में तो मैंने पढ़ा था कि उनके घर की तस्वीरें भी देखी थी और उनकी मूर्तियाँ यहाँ लगी हैं वहाँ लगी हैं और यादगार पूरा शहर बसा हुआ है शेक्सपियर के नाम पर बड़ी हैरत होती थी और स्कूल भर मुझे ज़रा भी इल्म नहीं था इस बात का कि वो कितने अजीम शख्स और कितने अजीम शायर थे अंग्रेजी में मेरी तरबियत हुई बचपन से ही तो मेरा ख्याल ये था कि क, क, अदब तो अंग्रेज़ी में ही लिखा गया है और जो भी दुनिया में जितने प्ले राइट्स या, या शायर हैं वो तो मतलब एक विलियम शेक्सपियर और बर्ड शो हैं और वर्ड्स और किड्स के अलावा और कोई है ही नहीं दुनिया में और उर्दू शायरी क्या होती है शराब और गुलाब और ये वो और मेरा यार मेरा दिल टूट गया दिस इज मतलब मेरी जहालत इस हद की थी बावजूद इसके कि उर्दू मेरी मादरी जबान है और बचपन में उर्दू ही मैंने सबसे पहले बोलनी सीखी थी पाँच साल का था बोर्डिंग स्कूल में चला गया अंग्रेज़ी स्कूल था जहाँ हिंदी बोलना मना था आ, सारी उर्दू भूल गया छुट्टियों में हम लोग घर आते थे तो अम्मी से बातचीत होती नहीं थी क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं बोलती थी और पूरी तरह मैं अंग्रेज परस्त बन गया उस स्कूल में रह के इतफाक की बात यह कि स्कूल के बाद मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गया ग्रेजुएशन करने तो वहां माहौल ऐसा था कि हर एक उर्दू बोलता था और पहले तो मैं बड़ा हिचकिचाया उर्दू बोलते हुए लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि नहीं ये तो ज़बान मुझे आती है और वो धीरे धीरे याद आने लगी मुझे तो अलीगढ़ का ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे डेवलपमेंट में एज एन एक्टर अलावा इसके अलीगढ़ में दो उस्ताद मुझे ऐसे मिले जनाब रहमान साहब जो इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर थे और जनाब जाहिदा जैदी जो इंग्लिश डिपार्टमेंट में थी इन दोनों ने ड्रामेटिक लिटरेचर में मेरी तरबियत की और आ, मेरा तारुफ कराया ऐसे लेखकों से जिनको जिनका नाम भी मैंने नहीं सुना था पढ़ना तो दूर की बात है अब्सर्ड थिएटर से मेरा मेरी वकफियत कराई ऑस्कर वाइल्ड से ओलिवर गोल्ड स्मिथ से और आ, मेरी हौसला अफजाई की कि तुम एक्टर बन सकते हो आ, और मुझे उकसाया कि तुम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाओ खैर मैं नेशनल स्कूल ड्रामा गया वगैरह फिल्म इंस्टीट्यूट भी गया आ, फिर भी उर्दू या हिंदी में रवानी से नहीं बोल पाता था जब तक गुलजार भाई ने मुझे बुलाया कि तुमसे मैं मिर्जा गालिब का रोल करवाना चाहता हूँ और मैं बेहद घबराया लेकिन अपनी घबराहट मैंने जाहिर नहीं होने दी और मिर्जा गालिब करने की वजह से उर्दू में मेरी तालीम शुरू हुई सही मानों में अलिफ बेते तो बचपन में सीखा था कुरान शरीफ पढ़ाया गया था हमें <coughs> तो मैंने दोबारा कोशिश की और तब से कर रहा हूँ उर्दू लिपि पढ़ने की और लिखने की लिखने तो मेरी लिखाई तो खैर कभी कभी मैं खुद नहीं पढ़ पाता हूँ लेकिन एक तो इस मत की जो कहानियाँ मुझे ज़बानी याद हैं उनको मैं उर्दू में पढ़ने पढ़ता हूँ ताकि मैं वो उन, उन उन सारे अल्फाज को आइडेंटिफाई कर सकूँ जल्दी जल्दी और फिर एक ऐसी कहानी पढ़ता हूँ जिससे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ तो मेरा उर्दू पढ़ने का जब तक मैं अस्सी साल का हो जाऊँगा काफ़ी अच्छी उर्दू में पढ़ने लिखने लगूंगा शुक्र है कि बोल पाता हूँ इसलिए कि कानों में पड़ी पहली ज़बान थी और ख़ुशकस्मती से गुजार भाई ने Took me under his wing और गल से मेरा तारफ करवाया स्कूल में या उससे पहले गलिब साहब का एक ही शेर हम लोग दोहराया करते थे स्कूल में जो शायद उनका लिखा हुआ है ही नहीं और वो <laughs> किसी भी मीडियम में दोहराया नहीं जा सकता आ, बाद में पता चला कि वो बिल्कुल उनका लिखा हुआ नहीं है इस तरह की वाहियात चीज़ें वो कभी ना नहीं लिखते हालांकि कभी कभी बड़ी सरल बातें भी किया करते थे जैसे कि उनकी एक अर्जी है जो बादशाह को लिखी थी पेंशन के लिए कि रात को आग और दिन में धूप भाड़ में जाए ऐसे ले लो नहार आपका बंदा और फिर नंगा मेरी तनख्वाह कीजिए माह बमाता हो जिंदगी दुश्वार इस तरह की भी शायरी की और मेरे दिमाग की नसें खुल गईं कि गालिब साहब ने जो लिखा ये तो टी एस एलियट और सैमुअल बेकिट से सौ साल पहले लिख कर गए और उतनी ही गहराई है बल्कि उससे भी ज़्यादा और इतनी खूबसूरत जबान का इस्तेमाल किया गया है और जो जो कॉम्प्लेक्सिटी है उनकी थिंकिंग में मैं दंग रह गया आ, उससे उससे आशना होकर और मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करता कि मैं गालिब पर एक्सपर्ट हूं या उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूं बिल्कुल नहीं जब मैं इस रोल की भी तैयारी कर रहा था तो गुलजार भाई ने मुझसे कहा कि अपना दिमाग खराब मत कर लेना किताबें पढ़ पढ़ के जो कुछ तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए वो स्क्रिप्ट में होगी और वही बात बिल्कुल सच निकली उस स्क्रिप्ट से कनेक्टेड जो भी रेफरेंसेस थे उनको मैंने जरूर पढ़ने की कोशिश की उनके खतूत और उनकी और कुछ शायरी वगैरह। लेकिन बिल्कुल मैंने कोई महीनों तक रिसर्च नहीं की क्योंकि गालिब जैसी शख्सियत को समझना नामुमकिन है एक्टर अक्सर ये समझते हैं कि इस किरदार को हमें गहराई तक समझ लेना चाहिए उसको समझने की वो क्या कोशिश करते हैं मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे शुरू से ही इस बात का एहसास था कि किसी भी दूसरे शख्स को समझा नहीं जा सकता अरे अपने आप को नहीं समझा जा सकता जब तो गालिब को आप समझने चले हैं या गांधी को आप समझने चले हैं या बर्नार्ड शो को आप समझने चले या आइंस्टाइन को आप समझने चले हैं, हैं। सात जिंदगियां लग जाएंगी फिर भी नहीं समझ पाओगे सो गुलजार भाई की यह बात बहुत ही मतलब सर आंखों पर लिए फिरता हूं कि तुम्हें जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो स्क्रिप्ट में है और अगर नहीं है तो वो स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है और ये मेरा रामबाण है इन असेसिंग स्क्रिप्ट इसी स्क्रिप्ट के बारे में रिसर्च करना और बात है लेकिन किसी स्क्रिप्ट को समझने के लिए अगर मुझे छह किताबें पढ़नी पड़ेंगी तो फिर दैट्स इट्स नॉट वर्थ इट तो उर्दू में ही नहीं स्क्रिप्ट असेसमेंट में भी एक सब्जेक्ट को किस तरह ट्रीट किया जाता है उसको भी समझने में क्योंकि ये ये स्क्रीन प्ले गुलजार भाई ने पहले एक फिल्म के लिए लिखा था जो नहीं बन पाई फिर मेरे ख्याल से उन्हें आज़ादी मिल गई जब वो फिल्म नहीं बनी और उनको टेलीविजन सीरियल बनाने का मौका मिला तो ही गुट एक्सपैंड ऑन इट सो मच मेरी सब सब मेरी खुशकिस्मती थी कि ऐसा हुआ और इतना कुछ इन्फॉर्मेशन Uh, बारह घंटों का एक एक एपिसोड घंटे का था गिबन बारह एपिसोड थे जिनको शूट करने में एक साल लगा आजकल एक दिन में तीन एपिसोड शूट होते हैं तो कोई हैरत की बात नहीं है कि जैसा दूसरा सीरियल नहीं बना <laughs> चलिए ब्रेक मैं हाथ जरा